हाय स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। आप आज क्वेश्चन फोर्थ हो गया था आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था किस तरह से कॉन्सिस्टेंट होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है, संगत क्या है, असंगत क्या है। आपको बताया भी गया था कि असंगत के लिए हमने क्या करना होता है कि असंगत में हमने क्या करना है, अगर लाइन पैरेलल है, जैसे a1 / a2 इक्वल टू b1 / b2 डज नॉट इक्वल टू c1 / c2। अगर ये है मतलब पहला इक्वल है, दूसरा डज नॉट इक्वल, अगर ऐसी कंडीशन में हो रही है फिर तो क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, वरना कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट है। हमने बोला था कि संगत असंगत में ये देखना है, या इस क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट इफ कॉन्सिस्टेंट ऑप्टेड सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कॉन्सिस्टेंट है, अगर क्या है ये संगत है, तब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है आपको। ग्राफिकली सॉल्यूशन करके भी दिखा गया है आपको। इसके बाद यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट चलो पता करते हैं। पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले में देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है, 1। x का कोफिशियंट क्या है, 1 है, तो ये यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, और यहाँ b1 की वैल्यू क्या है, 1, c1 की वैल्यू -5। अब देखो a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, b2 की वैल्यू क्या है, 2, c2 की वैल्यू क्या है, -10। अब देखिए यहाँ पे a1 / a2 निकालो, a1 / a2, b1 / b2, a1 a2 क्या हो गया, 1/2, b1 b2 क्या हो गया, 1/2, c1 c2 क्या हो गया, -5/-10। ये भी आएगा क्या, माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 10, 1/2। तो तीनों देखो इक्वल हो रहे हैं, a1 / a2 इक्वल टू b1 / b2 इक्वल टू c1 / c2। ये किस कंडीशन फॉलो करता है, जब कोइंसिडेंट हो, मतलब क्या कोइंसिडेंट मतलब क्या संरेखी हो। अब संरेखी में क्या होता है, जब वो संरेखी दो लाइंस क्या होती है, संरेखी होते हैं आपस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो, संरेखी है। संरेखी होने पे क्या होता है, वो कॉन्सिस्टेंट होते हैं, कॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दीज लाइंस ऑफ, जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन में लिखा था, दीज लाइंस ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट मतलब संरेखी, कोइंसिडेंट संरेखी है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट संगत होंगे, क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक। अगर ये क्या है, कॉन्सिडेंट है, संरेखी है, तो क्या होगा, संगत होगा। अगर अब संगत है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्या, ग्राफिकली। तो पहले आपको इतना करना है, अगर हमें पता चल गया कॉन्सिस्टेंट है, संगत है, फिर इसकी इतना लिखने के बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। इतना नोट कर लो आप लोग। फिर पहले क्वेश्चन के लिए देखिए, मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले पहले ही क्वेश्चन के लिए पहले क्या था, x + y = 5। अब हमने टेबल बनाना है, टेबल बना लिया, एक्स और वाई। अगर वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लें, वाई की वैल्यू 1 ले, 0 ले लो पहले, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5। वाई की वैल्यू अगर 1 ले लें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा है इसी में, दूसरा 2x + 2y = 10। यहाँ एक्स और वाई, अब देखिए वाई की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो यहाँ पे 2x क्या, ये 2y क्या हो गया, 0, 2x + 0 = 10, तो x = 5, मतलब यही आ गया। दूसरी कंडीशन में अगर हम कुछ और लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 2 = 10, तो 2x = क्या हो जाएगा, 8, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये दो हो गए। अब इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना, ग्राफ देखते हैं। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, पहले आपको कॉन्सिडेंट निकल गया, कॉन्सिस्टेंट निकल गया, तो आपको क्या करना है, आगे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ग्राफ देखते हैं, बना दें यहाँ पे एक्स और वाई, 0, 5, 1, 4, मतलब देखो एक ही पॉइंट पे मिल रहे थे, क्योंकि देखो अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पर 2x + 2y अगर 2 से डिवाइड करें तो ये भी बनेगा क्या, x + y = 5।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे भी देखो सेम इक्वेशन, यहाँ पे भी सेम इक्वेशन, ये क्या है, कॉइंसिडेंट है, मतलब सन रे की एक ही रेखा पे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ भी पॉइंट लेंगे, यानी कि जो इसका पॉइंट होगा वही इसका भी पॉइंट होगा, बताया गया था आपको बेसिक क्लास में। तो यहाँ पे देखो एक्स पे जीरो, वाई पे जीरो था, यहाँ पे वाई पे जीरो, एक्स पे फाइव थी, यहाँ फाइव आया, जीरो कॉमा फाइव, नहीं फाइव कॉमा जीरो। अब ये देखो ये फाइव कॉमा जीरो यहाँ पे भी है और इसमें भी है, दोनों में है। अब दूसरी कंडीशन देखो x पे 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे x पे 4 और y पे कितना 1, y पे 1, ये आ गया 1। तो 1 पे उसके बाद देखो क्या है कि जब यहाँ पे y 1 आया तो हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और इसको ऊपर बढ़ाया, तो यहाँ पे मिल रहा है क्या, x पे कितना है 4, 4 कॉमा 1। ये देखो अब यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या है, देखो ये पॉइंट दोनों सेम पॉइंट है। अगर कहीं और भी लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट ये सेम आते, सीधी रेखा में होता है, ये क्या है, कॉइंसिडेंट। ये हमें सॉल्व करना था, हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करके सॉल्यूशन दिखाना था, ये हमें सॉल्व कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक, सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड बोला है x माइनस वाई इक्वल टू एट, पहले से चेक करते हैं सेकंड वाले को, पहला हो गया क्लियर। तो x माइनस, यहाँ ए वन की वैल्यू क्या है 1, ए टू की वैल्यू क्या है, सॉरी बी वन की वैल्यू क्या है माइनस में 1, सी वन की वैल्यू क्या है माइनस में 8, ए टू की वैल्यू क्या है 3, बी टू की वैल्यू क्या है माइनस में 3, सी टू की वैल्यू क्या है माइनस में 16, क्यों क्या। अब इसे चेक करते हैं, ए वन अपान में ए टू इक्वल टू 1/3, बी वन अपान में बी टू इक्वल टू माइनस में 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 1/3। अब सी वन अपान में सी टू, यहाँ क्या है माइनस 8 अपान में माइनस में 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 वन जो 8, 8 टू जो 16, 1/2। तो यहाँ तक आपको मिला क्या, 1/3, 1/3, यहाँ पे 1/2, तो मतलब ए वन अपान में ए टू इक्वल टू, देखो बी वन अपान में बी टू है बट डज नॉट इक्वल टू सी वन अपान में सी टू है। तो ए वन अपान में ए टू, ए वन की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2, ये क्या है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है। जब ये लास्ट वाला डज नॉट हो तो ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दीज लाइंस ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल, समांतर है, पैरेलल है, देयरफोर। अब आपको बताना था कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं, देयरफोर आपको बताया गया था पैरेलल के कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट नहीं होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। देयरफोर द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत है, क्या है, असंगत है। अगर असंगत हो तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। पहले बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑफ टाइम सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट होता तो हम सॉल्व करते, ये क्या है इनकंसिस्टेंट, हम सॉल्व नहीं करके बस यहीं तक छोड़ देना था। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड का देखते हैं, यहाँ पे ए वन की वैल्यू क्या है, ए वन की वैल्यू 2 और बी वन की वैल्यू 1, सी वन की वैल्यू माइनस में 6 और ए टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, बी टू की वैल्यू क्या है माइनस में 2 और सी टू की वैल्यू क्या है माइनस में 4। अब देखिए यहाँ ए वन अपान में ए टू 2/4 क्या आ जाएगा 1/2 और बी वन अपान में बी टू, बी वन की वैल्यू 1/-2। अब देखो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में फिर से एक बार चेक करते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, प्लस में यहाँ 4, 2 बनता 2, 2 बनता 4, 1/2 प्लस में। यहाँ देखो ये डायरेक्टली यहीं पे देख गया हमें, ए वन अपान में ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान में बी टू, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, लाइन प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखना दीज लाइन ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। इंटरसेक्ट करने की वजह से क्या है, ये कॉन्सिस्टेंट है, क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट अगर होता है तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने चल रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ करते हैं थर्ड के लिए, थर्ड में पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो टेबल बनाओ,
एक्स और वाई। अब देखिए वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे हम जीरो लेते हैं, वाई की वैल्यू अगर हम जीरो ले लें तो यहाँ बचेगा टू एक्स माइनस में सिक्स इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा टू थ्री या सिक्स, यहाँ पर आ गया थ्री। अगर हम यहाँ पे दो लें, वाई की वैल्यू क्या ले लें टू, तो यहाँ अगर टू ले लेते हैं टू एक्स प्लस में टू माइनस में सिक्स इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स माइनस में फोर इक्वल टू जीरो, सिक्स में टू माइनस करो फोर, तो टू एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ गया फोर, एक्स की वैल्यू आ गई टू, तो यहाँ एक्स की वैल्यू भी टू आ गई। ठीक है ना, पहला टेबल क्लियर। दूसरी बार देखो, ये पहला टेबल, अब इसमें दूसरा टेबल तो किसके लिए इक्वेशन, फोर एक्स माइनस में टू वाई माइनस में फोर इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर टेबल ड्रॉ करो, एक्स और वाई। अब अगर हम यहाँ वाई की वैल्यू जीरो लें, वाई की वैल्यू जीरो लेते हैं तो यहाँ है फोर एक्स माइनस में जीरो माइनस में फोर इक्वल टू जीरो, तो फोर एक्स इक्वल टू क्या आ गया फोर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई वन। अब देखो यहाँ पे अगर हम टू लेते हैं, यहाँ पे अगर वाई की वैल्यू हम टू लेते हैं, यहाँ पे फोर एक्स माइनस में टू मल्टीप्लाई बाय टू और माइनस में फोर इक्वल टू जीरो, तो फोर एक्स माइनस में फोर, फोर कितना आ जाएगा एट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा फोर टू जै एट, यहाँ पे टू एक्स की वैल्यू टू आया और वो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने क्या रखा टू। तो देखो ये भी क्या है, एक दूसरे लाइन पे होते हुए जा रही है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तब तक आप नोट करो। ओके ठीक, तो ये आपका ग्राफ तैयार है। इसमें देखो हमने बनाया था क्या, एक्स पे थ्री था वाई पे जीरो, एक्स पे थ्री तो वन टू थ्री, ये एक्स पे थ्री, वाई पे जीरो इसी पॉइंट पे होगा, तो ये आ गया थ्री कॉमा जीरो पहला। फिर उसके बाद देखो एक्स पे टू वाई पे टू, एक्स पे टू वन टू और वाई पे टू वन टू, तो ये क्या आ गया टू कॉमा टू, टू कॉमा टू। और इस पर देखिए दूसरी टेबल में एक्स पे वन, एक्स पे वन यहाँ और वाई पे जीरो इसी लाइन पर आएगा, यहाँ पे क्या आ गया वन कॉमा जीरो। अब दूसरी बार टू कॉमा टू मतलब यही। अब देखो ये लाइन इधर आ गया, ये दूसरे को, एक दूसरे को टू कॉमा टू पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया वन सॉल्यूशन टू कॉमा टू। तो इस ग्राफिकली जो है ये आपका सॉल्व हो गया। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गए, फोर्थ पे चलते हैं। आपको ध्यान देना है, जब आपका बताया है कि जब कंसिस्टेंट है तभी आपका ग्राफ दिखाना है, वरना नहीं। यहाँ कंसिस्टेंट था, इंटरसेक्ट लाइन हो रही थी, इसलिए हमने ड्रॉ करके दिखाया। ठीक, आगे फोर्थ में चलते हैं। फिर फोर्थ में ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू निकाले। फिर उसके बाद पहले देखते हैं ये फोर्थ, फोर्थ में देखो ए वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे टू, और बी वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस में टू, सी वन की वैल्यू क्या है माइनस में टू, फिर यहाँ बी वन की वैल्यू क्या है फोर, और बी टू की वैल्यू क्या है माइनस में फोर, सी टू की वैल्यू क्या है माइनस में फाइव। अब देखिए ए वन बी वन सी वन जो भी आया है, अब यहाँ पे ए वन अपान में सॉरी यहाँ ए टू, ठीक ए वन अपान में ए टू इक्वल टू टू अपान में फोर, टू वन जो टू 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 जो फोर, यह आ गया क्या वन बाई टू। ठीक, अब यहाँ बी वन अपान में बी टू माइनस में टू बाई फोर, इसे काटेंगे तो आ जाएगा वन बाई टू। फिर यहाँ पे सी वन अपान में सी टू, सी वन अपान में सी टू माइनस टू बाई माइनस में फाइव, माइनस माइनस कैंसिल आएगा टू बाई फाइव। अब इसमें देखो क्या है, ए वन अपान में ए टू इक्वल टू बी वन अपान में बी टू इक्वल टू सी वन अपान में सी टू, इस पर रख के देखते हैं ए वन अपान में ए टू वन बाई टू है और ये भी वन बाई टू है और यहाँ पे क्या है टू बाई फाइव है, ये तो इक्वल है, ये डज नॉट इक्वल है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये दिए हुए इक्वेशन जो है वो क्या है दूसरे को पैरेलल जाती हैं, और जब पैरेलल जाती हैं तो इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो बता यहाँ लिख देना है दीज लाइन ऑफ या द लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस आर पैरेलल, समांतर है एक दूसरे के, सो या देयर फोर द लाइन लाइन ऑफ इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये हो गया आपका इनकॉन्सिस्टेंट। अब जब इनकॉन्सिस्टेंट हो गया तो इसे सॉल्व भी नहीं करना है। तो चार क्वेश्चन आपके, ये चौथे के चार क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। इसको एक बार रिवीजन करिए आप लोग, पढ़ो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिफ्थ क्वेश्चन के साथ पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।